हेलो हाय एवरीवन वेलकम टू स्टडी विद प्रतिभा एंड दिस इज़ मी ओके फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम सॉरी क्योंकि मैं इतना लेट वीडियो दे रही हूँ लास्ट वीडियो के बाद एंड दिस बिकॉज मैं नेक्स्ट वीडियो आई पैड पर शूट करना चाहती थी एंड बहुत सारे कुछ टेक्निकल इशूज़ कुछ ना कुछ आते हैं चीज़ों को सीखने में मुझे काफ़ी टाइम लगा सो so इस वजह से इतना लेट हुआ बट आई होप हम लोग कंटिन्यू uh, करेंगे प्रॉपरली एंड हम लोग ने एसिड्स एसिड बेस सॉल्ट जो केमिस्ट्री का चैप्टर थ्री था उसमें एसिड्स कंप्लीट कर लिया था आई होप सबको समझ में आया होगा एंड आपने अपना कर भी लिया होगा कंप्लीट हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेसिस आज हम लोग बेसिस का सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे जिसमें कि बेसिस क्या होते हैं एंड डिटेल्स अबाउट इट एंड द टाइप्स ऑफ बेसिस तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज अ बेस यहाँ से शुरुआत होती है हमारी कि बेस है क्या कि ऐसे कोई भी कंपाउंड्स या हम मैं अगर स्पेसिफिकली बोलूं तो हम तीन चीजों पे जा सकते हैं ऐसे मेटल ऑक्साइड्स ऐसे मेटल हाइड्रोक्साइड्स या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH NH4OH इट इज मेड अप ऑफ NH4 प्लस OH, एंड ओ एच माइनस अमोनियम आइन और हाइड्रोक्सलाइन से बनता है ठीक है तो ये जो है मेटल ऑक्साइड्स मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स ये ऐसे कंपाउंडस जो कि एसिड के साथ मिलकर बनाते हैं सिर्फ दो चीज़ें कौन सी दो चीज़ें सॉल्ट एंड वाटर ठीक है सॉल्ट एंड वाटर ओनली ये बात ध्यान रखना क्योंकि इसके अलावा अगर कोई भी गैस या कुछ भी और कंपाउंड बनता है तो फिर हम उस कंपाउंड को बेस नहीं कहेंगे तो ये हमारा बेस बेस इज अ कंपाउंड विच रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर ओनली ठीक है तो ये मेटल ऑक्साइड्स हो सकते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स हो सकते हैं या फिर एन मेटल ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल्स कुछ देख लो जैसे कि इट कैन बी सोडियम ऑक्साइड पोटाशियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक है बहुत सारे हो सकते हैं mm -hmm. या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड ये सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है तो हम ये नहीं लिखेंगे एम्फोटेरिक नेचर जिस ऑक्साइड में एसिड uh, और बेस दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो ये हो गए हमारे कुछ मेटल ऑक्साइड्स फिर मैं जिंक ऑक्साइड लिख सकती हूँ लेकिन जिंक uh, भी एम्फोटेरिक है सॉरी ठीक है तो मेटल हाइड्रोक्साइड्स मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो हैं उसमें जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड फेरस हाइड्रोक्साइड फेरिक हाइड्रोक्साइड ये सब एग्जाम्पल्स हैं ठीक है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिस इज आल्सो एम्फोटेरिक बट इट एक्सेस बेस एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज हैं और कॉपर हाइड्रोक्साइड सो मैनी सो मैनी ठीक है तो ये सभी क्या हैं बेसिस तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स ऐसे मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो कि एसिड्स के साथ मिलके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करें और इन साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी आता है तो uh, ये बेस हो गया क्लियर हो गया होगा लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ऐसा क्या सारे मेटल ऑक्साइड्स इस बात को फॉलो करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स को करते हैं बट क्या सारे मेटल ऑक्साइड्स इस बात को फॉलो करते हैं कि वो एसिड के साथ मिलके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करें नहीं ऐसा नहीं है तो इसीलिए ये बात आती है कि आर ऑल मेटल ऑक्साइड्स बेस क्या सारे मेटल ऑक्साइड्स बेस हैं आंसर इज नो यस क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल लेड ऑक्साइड पी बी ओ टू ये है अगर हम इसका रिएक्शन एसिड से करें तो ये सॉल्ट वाटर के साथ में एक गैस भी प्रोड्यूस करेगा ठीक है तो इसका मतलब ये जो है ये बेस नहीं है मैं ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल पी बी थ्री ओ फोर एक लिख भी देती हूँ अगर हम इसका रिएक्शन एच सी एल से करते हैं तो पता है क्या बनेगा लेडक्लोराइड पी बी सी एल टू जो कि एक सॉल्ट है वाटर एंड क्लोरिन गैस विल बी इवॉल्व Cl2. तो क्या ये मेटल ऑक्साइड बेस हुआ बिल्कुल नहीं तो ठीक है तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखने हैं बाकी जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस का नेचर शो करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं नेक्स्ट टर्म इज एल्कली ये एल्कली क्या चीज़ है ऐसे बेसिस जो कि वाटर में सॉलेबल है उनको हम बेस बोलते हैं तो ऐसे बेसिस इसका मतलब ही हो गया कि इसका इट मीन सारे बेसिस ये प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे कुछ मेटल ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स ऐसे हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं सभी नहीं होते जो हमेशा होते हैं उनमें आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो बनता ही है अमोनिया गैस को वाटर में डिजोल्व करने पर ठीक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी सॉलेबल है इट इज स्पैरिंगली सॉलेबल स्पैरिंगली स्पैरिंगली मतलब थोड़ा सा कम सोलेबल होता है बट होता है ठीक है तो ये जो है तो सच बेसिस विच आर सॉलेबल इन वाटर वाटर सॉलेबल बेसिस दे आर नोन एज एल्कली तो ये क्लियर हो गया होगा ठीक है ऐसे बहुत सारे बेसिस हैं जो कि वाटर में सॉलेबल नहीं है जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड ले लें इट इज नॉट सॉलेबल इन वाटर ठीक है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नॉट सॉलेबल इन वॉटर कॉपर हाइड्रोक्साइड नॉट सॉलेबल इन वाटर ठीक है तो ये सभी वाटर में सॉलेबल नहीं है तो ये इन सोलेबल बेसिस हैं तो इसीलिए एक स्टेटमेंट ये आता है ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज ये सारे एल्कलीज बेस हैं इसे अगर आप वेन डाइग्राम से दिखाएं ना ये एल्कलीज हैं तो एल्कलीज जो हैं वो बेसिस के अंदर आती हैं मीन्स समझ रहे हो ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर एल्कलीज नहीं ऐसा नहीं है ऐसे बहुत सारे बेसिस हैं ये है ना ऐसे बहुत सारे बेसिस हैं जो इस कैटेगरी में आएंगे यहाँ वाली कैटेगरी में कि वो बेस तो हैं बट वो एल्कली नहीं है ठीक है तो ये आपको बेसिक बात समझ में आ गई होगी अच्छा एक और चीज़ में बताती हूँ कि ये जो मैंने रिएक्शन बताया है कि बेस वो कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड के साथ मिलके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं इस रिएक्शन को इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं ठीक है बहुत सी जगहों पर इसका आपको यूज़ देखने को मिलेगा फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ जैसे कि जो हम लोग टूथपेस्ट ब्रश करते हैं वो तो उसमें जो जो हम पेस्ट यूज करते हैं उसमें भी बेसिक नेचर होता है जिससे कि वो हमारे माउथ की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करे या जब स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो उस स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए पता है आपको कौन सा बेस हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये जो है इट एक्ट एज एन एंट एसिड ये yes, स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज़ करता है ऐसे बहुत सारे और भी हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये सोप बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग सोप यस बेसिस आर यूज फॉर मेकिंग सोप बेस की प्रॉपर्टी भी है दैट दे आर सोपी टू टच अगर हम छूते हैं उसे तो हमें वो सोप जैसा फील होता है जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है तो नेक्स्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस अब हम बेसिस के क्लासिफिकेशन पे उनके टाइप्स पे आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिस हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के बेसिस पर स्ट्रेंथ के बेसिस पर कैसे कि वो या तो वो स्ट्रांग बेस है या फिर वीक बेस तो स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस क्या होते हैं कि जो बेसिस कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वेन दे आर डिजोल्व इन वाटर या ये हम एल्कली की बात कर सकते हैं क्योंकि हम एल्कली की हम बात क्योंकि एल्कलीज ही वाटर में सॉलेबल होती है तो वी कैन ऑल्सो से कि स्ट्रॉन्ग एल्कली ठीक है तो विच आयोनाइज कंप्लीटली क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और जो पार्शली आयोनाइज होते हैं या वीकली आयोनाइज होते हैं उनको हम कहते हैं वीक बेस या फिर वीक एल्कली एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एल्कली मेटल्स जो पीरियॉरिक uh, टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप है उसके मेटल्स मोस्टली स्ट्रॉन्ग एल्कलीस फॉर्म करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म करते हैं तो उसमें सोडियम भी आता है पोटाशियम भी आता है लीदियम भी आता है इसमें ठीक है ये इस बार का क्वेश्चन था इस, इसी इसी टू में जो बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं उसी का क्वेश्चन था एंड कई सारे बच्चे इसमें गलत करके आ गए क्योंकि उन्होंने कुछ ऑप्शनस दिए थे जैसे कि लीदियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऐसे करके दिए थे उसमें पूछा था स्ट्रॉन्ग कौन सा है अच्छा बुक्स में मोस्टली दे रखे होते हैं ये दोनों सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड तो इसलिए बहुत सारी लोगों को कन्फ्यूजन ही हो गई कि इसमें तो जितने दे रखे हैं सारे के सारे वीक है नहीं सारे के सारे वीक नहीं है जो लीडियम हाइड्रोक्साइड है ये एल्क्री मेटल्स में ही आता है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है हम इसे कंसिडर कर सकते हैं ठीक है थीके? ये दोनों तो हैं इसके अलावा वीक वी, वीक बेस में कौन से आ जाएंगे जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एन फोर ये भी एक वीक बेस है ठीक है ये पार्शियली आयनाइज होते हैं अच्छा इसको भी क्वेश्चन uh, घुमा के पूछा जाता है कि अगर हमने वीक बेस का सोल्यूशन बनाया तो उसमें क्या होगा ऐसे क्वेश्चन एसिड में भी होता है तो अगर आपने वीक बेस का कभी भी सोल्यूशन बनाया है तो इसका मतलब है कि अगर वो पार्शली आयनाइज हुआ है मीन कुछ मॉलिक्यूल्स आयन्स में कन्वर्ट हो गए कुछ नहीं हुए इट मीन्स सच अ सोल्यूशन सोल्यूशन ऑफ ए वीक बेस दैट विल कंटेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज आय ठीक है वेर एज अगर स्ट्रोंग बेस का सोल्यूशन है तो इट विल कंटेन ओनली आयन्स मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही नहीं क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए आयोनाइज हो गए तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी एसिडिटी क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन्स नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ओ एच माइनस आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस वेन इट इज डिजोल्व इन वाटर जब हम इसे वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोक्सिलइन प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं उसकी एसिडिटी अच्छा कुछ ऐसे हैं बेसिस जो कि डिजोल्व ही नहीं होंगे वाटर में तो फिर क्या उनकी एसिडिटी नहीं होगी भाई बिल्कुल होगी एसिडिटी बट उस केस में हम ये बोलेंगे कि मॉलिक एक मॉलिक्यूल फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कोई ले लेती हूँ जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड है ठीक है इनसॉलेबल बेस है ये तो अगर इसका रिएक्शन एच से किया जाए तो हम ये देखेंगे इसमें रिएक्शन क्या होगा सॉल्ट एंड वाटर बनता है ना तो आयरन चला जाएगा क्लोरिन के साथ इट विल फॉर्म एफ ई सी एल थ्री फेरिक है बेलेंसीज की एफ ई थ्री प्लस है यहाँ पर ठीक है और एच उसके साथ मिलके एंड दैट विल फॉर्म वाटर सॉल्ट एंड वाटर बन जाते हैं तो अगर हम देखें तो इसके पास कितने ऐसे हाइड्रोक्सिल आयंस थे जो कि रिप्लेसेबल थे यस yes, तो उस हिसाब से जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं उसको बोलते हैं हम एसिडिटी यानी कि या तो हम ये बोलें कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस व्हेन इट इज डिजॉल्व इन वाटर या फिर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयंस ये भी बात ठीक है ठीक है तो यह तो हो गई बात एसिडिटी क्या होती है अब एसिडिटी के बेसिस पर जो बेसिस हैं उनको हम मोनोबेसिक एसिड नेम से ही अब तो समझ में आ रहा सॉरी मोनोबेसिक एसिड नहीं मोनो एसिडिक बेस देखो अपोजिट है ये जब हमने एसिड पढ़ा था तो एसिड की बेसिसिटी होती है उसी तरीके से बेस की एसिडिटी होती है तो मोनो एसिडिक बेस जिस बेस की एसिडिटी वन uh, हो से हम कहते हैं मोनो एसिडिक बेस फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हो एक ही रिप्लेसेबल आयन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ठीक है हाइड्रोक्साइड डाई एसिडिक बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसकी एसिडिटी टू है ठीक है फेरस हाइड्रोक्साइड कॉपर हाइड्रोक्साइड कोई भी ले सकते हैं और ट्राई एसिडिक बेस ट्राई एसिडिक बेस जिसकी की बेसिसिटी थ्री है फेरिक हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या क्रोमियम हाइड्रोक्साइड तो ये हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया हमारा हो गया है ये क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस आई होप सभी को समझ में आ गया होगा अभी हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है अभी हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब कंप्लीट होगा एंड प्रप्रेशन भी पढ़नी है यस आई होप सभी को समझ में आया हो अच्छा भी लगा हो जो मैंने नई तरीके से वीडियो शूट किया है तो प्लीज़ ज़रूर बताना इसको